नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? और आप लोगों का स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में और जेम स्टोन की रेमेडीज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो भी वास्तु किया जाता है उसके कई सारे सिस्टम हैं, और आज मैं जो बात करने वाला हूँ दैट इज़ वन ऑफ द एडवांस टेक्निक ऑफ डूइंग वास्तु विद द हेल्प ऑफ जेम स्टोन। तो जेम स्टोन जो है काफ़ी प्रभावी होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, और उनकी जो भी रेमेडीज की जाती हैं वो स्पेसिफिक जोन एंड डायरेक्शन की जाती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टोन आप लीजिए, यू शुड बी बाइंग देम नेचुरल स्टोन रेम। अब नेचुरल स्टोन क्यों है? क्योंकि कई जगह हम वास्तु कई लोग करते हैं और वहाँ पे वो डस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप मकान परचेज करते हैं, जब भी आप कोई भी घर परचेज करते हैं, तो आप जस्ट इतना सोचें कि आपने उस मकान को बहुत सालों की मेहनत के बाद परचेज किया। दूसरी बात है, जब भी आप एक मकान बनाते हैं उसमें आप बहुत सारे खर्चे ऑलरेडी कर चुके होते हैं, है ना? तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है अपने घर से, क्योंकि हम ज़्यादातर समय अपने घर में बिताते हैं और हम चाहते हैं हमारा जो घर है वास्तु के हिसाब से बैलेंस्ड हो, तो ऐसे केस में आपको अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करनी चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका है, बिना तोड़ के, बिना किसी भी तरह के डैमेज करके आप जेम स्टोन थेरेपी करा सकते हैं, जिससे आपके घर के एनर्जीज काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। अब ये होता है कि कौन से जातक को किस तरह की जेम स्टोन की रेमेडी करनी चाहिए जो कि वास्तु में उनको हेल्प करे या घर के वास्तु में हेल्प करे। तो ऐसे केस में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये नेचुरल मानिक है, ठीक है? और मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, जैसे ये भी देखें, ये भी एक नेचुरल मानिक है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई रेमेडीज करेंगे, है ना, ये एमरल्ड है, जब भी आप रेमेडीज करेंगे यू शुड बी बाइंग अ नेचुरल जेम स्टोन, है ना? ये भी आप देख पा रहे हैं, ये ओपल है, दिस यूज फॉर वीनस, एमरल्ड इज यूज फॉर मर्करी। तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक जोन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नॉर्थ की बात करूं, है ना, तो नॉर्थ में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट काम करता है, है ना? जैसे कि कुछ चीजें मैं अपने कोर्स में बताता हूं, तो आप ये समझे कि नॉर्थ के जोन को अगर आपको एक्टिव करना है, इट इज अ जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जोन ऑफ मनी। अगर आपको कहीं पे भी फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो दैट इज द वे और दैट इज द लोकेशन जहां पे आपको अपने जेम स्टोन रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन कई लोग यहीं पे थोड़ा मात खा जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होती? उन्होंने नेट पे देख लिया, उन्होंने ये देख लिया कि भाई ये एलिमेंट है, यहां पे हम अगर प्लेस कर देंगे तो वहां पे उनको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कभी भी हम कोई भी रेमेडीज करते हैं, सबसे पहले अपने आपको बैलेंस करना चाहिए, है ना? जैसे मानसिक तरीके से अगर आप बैलेंस्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के कई चीजें, मुश्किल से मुश्किल समय भी आप हैंडल कर लेंगे। ऐसे ही घर का जो सेंटर होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए घर के सेंटर को भी प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले आपके घर के डायमेंशन देखेंगे, कहां पे क्या एनर्जी आ रही है वो देखेंगे, और जेम स्टोन के द्वारा आपके ब्रह्म स्थान को एनर्जाइज करेंगे। जब जेम स्टोन के द्वारा आपके घर के सेंटर को हम प्रॉपरली एनर्जाइज कर देंगे, उससे आपके घर के दूसरे जोन भी बैलेंस होने लग जाएंगे। फिर हम सिम्टम के बेस पे, जहां पे अगर आप कहें कि वहां पे ब्लू सफायर की जरूरत होगी, है ना, या आप बात करें वहां पे येलो सफायर की जरूरत होगी, है ना, आप देखेंगे कितना बढ़िया स्टोन है, दीज आर ऑल नेचुरल स्टोन्स। और आपको लगेगा कि नेचुरल स्टोन्स व्हेन यू ट्राई टू बाय, क्योंकि कई जगह लोग बहुत ही महंगा प्राइस यूज करते हैं, बहुत ही महंगा, लेकिन वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच बिकॉज हमारा, अब देखें कितना ब्यूटीफुल स्टोन है ये, अब देख पा रहे हैं, दिस इज सुनेला और दिस इज यूज फॉर जुपिटर, है ना? और जहां पे भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है तो वहां पे आप डेफिनेटली बृहस्पति और बृहस्पति के स्टोन को अगर आप एनर्जाइज करते हैं अपने घर के अंदर या आपके जीवन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो
तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ को, अपने घर को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरिए, विदाउट डूइंग एनी डिमोलिश और एनी डैमेज। हम स्पेसिफिक जोन को टारगेट करते हैं, वहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रिल करवाना है। जैसे हम बताएंगे, हम पॉइंट करके जाएंगे, वहाँ पे आपको ड्रिल करना है, और वहीं पे जैसे हम आपके हिसाब से जितना भी आपके जोन को बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे जेमस्टोन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो जैसे ही जेमस्टोन ब्लास्ट एस्टैब्लिश होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाएगी, और जैसी बैलेंसिंग आएगी, तो प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू कम एट योर होम, एट योर लाइफ, है ना। तो इसलिए जेमस्टोन रेमेडीज आर एडवांस टेक्निक, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन इन अ करेक्ट वे। अगर आप उसने सही तरीके से नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल पे डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए आप डेफिनेटली किसी स्पेशलिस्ट को ही हायर करें, जो आपके घर को प्रॉपर बैलेंस कर पाए विद द हेल्प ऑफ जेम स्टोन्स। सो वी आर ऑल्सो सेलिंग नेचुरल जेम स्टोन्स, आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली उसी में करते हैं जो कि नेचुरल स्टोन्स हो। क्योंकि देखिए, ग्लास फील्ड हो या किसी दूसरे तरह का स्टोन हो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच क्रेडिबिलिटी या दैट मच पावर जो आप चाहते हो, है ना। और हम कोशिश ये करते हैं कि नेचुरल स्टोन में डील करें, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास भी वक्त नहीं है, है ना। अगर हम आपको स्टोन भेजेंगे, फिर आप बोलेंगे अरे ये स्टोन तो नेचुरल नहीं है, हम प्रॉपर सर्टिफिकेट भेजेंगे, हम सर्टिफाई करके भेजेंगे, ताकि आपके पास वो चीज़ पता चले कि ये स्टोन है ये नेचुरल है, और आपके लिए वो बेस्ट से बेस्ट काम करेगा। लेकिन जब भी आप वास्तु के लिए करते हैं, जैसे कि आप देखें ये मोती है ना, ये नेचुरल साउथ सी पर्ल है, और आप जानते हैं कि चंद्रमा जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ये पता चला कि जेमस्टोन के द्वारा आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर जोन में हम ड्रिल करेंगे, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लैनेट का, जहाँ पे जो बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा, उनके जेमस्टोन को वहाँ पे फीड करेंगे और उसको वहाँ पे सील कर देंगे, ताकि जो एनर्जी है वहाँ से बैलेंस होनी शुरू हो आपके लाइफ में। चाहे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या डिप्रेशन रिलेटेड कोई ना कोई एंजाइटी हो, तो उनको भी हम डेफिनेटली स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे हम और भी वीडियोज़ इसी के रिलेटेड बनाएंगे। थैंक यू।